अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो आज हम सहरी में बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। मैंने भिंडी को यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको एक कपड़े से अच्छे से भिंडी को पोंछ लिया ताकि उसमें भिंडी में कुछ भी पानी ना रहे, क्योंकि भिंडी में पानी रहता है तो वो प्रॉपरली कुक नहीं होता है। इसलिए पहले उसका जो भी पानी रहता है उसको अच्छे से कोई कॉटन का कपड़ा लेके आप क्लीन से पोंछ लीजिए, उसके बाद आप भिंडी को कट कर सकते हो। मैं रोज़ाना सहरी के लिए 3:30 बजे उठ जाती हूँ। उठ के तब मैं जो भी चाहिए तभी बनाती हूँ, रात में बना के नहीं सोती हूँ, तभी हम फ्रेश बना के फ्रेश खाते हैं। तो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हम बना लेते हैं, उसके साथ हम पराठा ही खाते हैं, उसके अलावा हम कुछ और नहीं खाते। हमें बस सब्ज़ी चाहिए, सब्ज़ी और पराठे के साथ, वही हमारी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो अभी यहाँ मैं भिंडी के पीसेस कट कर रही हूँ। आपने बहुत टाइप की भिंडी की सब्ज़ी खाई होगी, कभी आपने अंडे के साथ भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, मेरे ख़्याल से आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आज बना रही हूँ अंडे के साथ भिंडी की सब्ज़ी। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपकी भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनी। मेरी तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी को तो मैंने कट कर लिया। भिंडी मैं कितनी ली हूँ उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ऑनियन डालूँगी। मैं यहाँ पे ली हूँ 1 मीडियम साइज़ ऑनियन। इसका छिलका निकाल के अभी इसको फाइनली हम चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे गार्लिक भी पील करके रख लिया था, अब हम गार्लिक को छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। गार्लिक कट कर लिया मैंने। गार्लिक कट करने के बाद यहाँ पे हम लिए हैं 2 अंडे। अभी हम कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया। कढ़ाई तो हमारी गरम हो चुकी है, अभी हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैं ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ ना तभी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत ही हेल्थी है। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अभी मस्टर्ड ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स के चिटकारी आने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे जो कट करके रखा था गार्लिक, वो गार्लिक को हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद अभी हम इसमें फाइनली चॉप्ड ऑनियन भी डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम चम्मच हिलाते हुए थोड़ा ऑनियन का कलर लाइट ब्राउन आने तक इसको हम पका लेंगे। अभी हम इसमें थोड़े से करी लीफ के पत्ते भी डाल दिए। डालने के बाद अभी हम चम्मच हिलाते हुए इसको थोड़ी देर पका लेंगे। ऑनियन थोड़ा पकने के बाद अभी हम इसमें कट किए हुए भिंडी को डाल देंगे। डाल के भिंडी को ऑनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करते हुए हम इसको 2-3 मिनट्स के लिए पका लेंगे। भिंडी को 2-3 मिनट्स पकाने के बाद अभी हम इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, बस इतना ही मसाले डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो हम ज़्यादा मसाले खाना नहीं पसंद करते, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप
और भी मसाले चाहिए आप गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर सब डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख दिया। जब तक हमारी भिंडी बन ना जाए तब तक थोड़े वेजल्स थे वॉश करने के, तो उसको हम जल्दी से वॉश कर देते हैं क्योंकि सहरी का वक्त भी हो रहा था तो मेरे पास टाइम इतना नहीं था। तो मैंने सोचा जल्दी से वेजल्स वॉश कर देते हैं क्योंकि रमज़ान में इतने सारे बर्तन पड़ जाते हैं तो मन ही नहीं करता है वॉश करने का, क्योंकि थकान हो जाती है, क्योंकि हम रोज़ा रहते हैं, ज़्यादा वक्त हम इबादत में लगाना चाहते हैं तो हम ज़्यादा वक्त कामों में नहीं लगाना चाहते, इसलिए काम फटाफट से हमें फिनिश करना है। तो जल्दी से यहाँ पे वेजल जो भी है वह मैं वॉश करके रख देती हूँ, और रख के मुझे जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी बनाना है, उसके बाद मुझे तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ने के लिए जाना होगा। तो जल्दी से मुझे जो भी काम है उसे ख़त्म करना है, तो यहाँ मैं फटाफट जल्दी से जो भी वेजल्स है उसको वॉश करके क्लीन कर देते हैं ताकि किचन हमारा साफ रहे। मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए रख दिया था, अभी हम चेक करेंगे हमारी भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है या नहीं। तो मैंने चेक किया तो ये भिंडी की सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन चुकी थी। अभी हम इसमें अंडे ऐड करेंगे, तो मैंने अंडे नहीं डाला था, अभी हम इसमें डालेंगे अंडे। तो यहाँ पे मैंने लिए है 2 अंडे, 2 अंडों को हम फोड़ के इसमें डाल देंगे। डाल के इसको फ़ौरन से मिक्स नहीं करना है, इसको अंडे डालने के बाद 2 मिनट्स के लिए कवर करके रखना है, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आपको फ्लेम को हाई पे रख के इसको चम्मच हिलाते हुए मिक्स करना है, मिक्स करके छोड़ देना है, उसके बाद हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। बस इतना ही है, अंडे को हमें आखिर में ऐड करना है, आपको स्टार्टिंग में अंडे नहीं डालना है, भिंडी की सब्ज़ी पकने के बाद आपको अंडे ऐड करना होगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आटा मैं किस तरीके से गूंथती हूँ। आप इस तरीके से आटा गूंद के रोटी बनाओगे, आपकी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। यहाँ पे लिया है मैंने मैदा, मुझे जितना क्वांटिटी का चाहिए, लाइक मैंने लिया है 2 कप ऑफ मैदा, उसमें मैंने डाला है 3 टेबलस्पून ऑयल, और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। सॉल्ट डालने के बाद इसमें मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर डाल दिया। शुगर डालने के बाद अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा गरम पानी, एकदम गरम पानी डालेंगे। डाल के देखिए मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हॉट वाटर डाल के हम आटे को अच्छे से गून लेंगे। हॉट वाटर का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है, यहाँ पे रोटी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है आप गर्म पानी से आटा गूनोगे तो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आटे को मसलते हुए गून लूँगी। आटे को हम अच्छे से गून लेंगे, अच्छे से गूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके हम थोड़ा और देर इसको अच्छे से गून लेंगे। गूनने के बाद आपको इसको कॉटन के क्लोथ से या कवर से इसको कवर करके 20 मिनट के लिए साइड में रख देना चाहिए, उसके बाद आप इसके रोटियां बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट रोटी बनेगी। आप यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं आता है तो आप भी ज़रूर ये ट्रिक यूज़ करके रोटियां बनाइए, आपकी भी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अगर सॉफ्ट रोटी बनी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
यही था आज का ब्लॉग। आगे का ब्लॉग मैंने कैप्चर नहीं किया क्योंकि मुझे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना था, सहरी का भी वक्त हो रहा था, इसलिए मेरे पास इतना वक्त नहीं था आगे का वीडियो मैं कैप्चर कर पाऊँ। तो दुआ में ज़रूर याद रखिए। फिर मिलते हैं एक नए और बढ़िया से ब्लॉग तक। जब तक अल्लाह हाफिज़।